अर्न करेंगे। क्लास नंबर हमारी फर्स्ट है, लेक्चर नंबर भी हमारा वन है और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, मैंने आपसे ये कहा था कि हम फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस चलेंगे। सो हमने जो फेसबुक पर रहते हुए अर्निंग करनी है वो बेसिकली अर्निंग करनी है थ्रू मोनिटाइजेशन, हमने अर्निंग करनी है थ्रू वीडियोस। और वीडियोस अपलोड कहाँ पे करेंगे, पहले तो हमारे पास मोड होना चाहिए, जिस मोड पे हमने अपलोड करनी है वो बेसिकली हमारा पेज है। तो हम बेसिकली फेसबुक के पेजेस पर वर्क करते हैं, तो पेजेस पर वर्क करने से पहले ज़रूरी है हमारे पास पेज हों और हमें उन्हें बनाने आते हों। तो बिल्कुल बेसिक सी क्लास के आपने अपना पेज क्रिएट कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। पेज क्रिएट करने से पहले आपने ये देखना है कि आपने पेज बनाना कैसे है। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएं जनाब, सेम ओवर पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है पेजेस का, पेजेस पर आप क्लिक करें। जैसे ही पेजेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू पेज का, क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करें, यहाँ पर पेज नेम रिक्वायर किया जाएगा। पेज नेम तक अभी स्टॉप लगाएं और आ जाएं नोट पैड पर। यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, पेज बनाने से पहले पता होना चाहिए कि पेजेस की टाइप्स कितनी है। 3 टाइप्स के पेजेस होते हैं जनाब, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ पेज जो होता है वो होता है जनरल पेज, सेकंड टाइप ऑफ पेज होता है स्पेशल नीश पेज, स्पेशल टाइप अगर कह लें तो ज़्यादा स्पेशल टाइप पेज, एंड थर्ड टाइप जो पेज होते हैं डेट इज फैन पेज एक्चुअली। अब ये 3 तरह के पेज होते हैं, सबके लॉजिक समझा देता हूँ। जनरल पेज क्या होता है, जनरल पेज का न सर होता है न पाँव होते हैं, जनरल होते हैं। आप इस पर कभी एक्सीडेंटल वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, कभी इस पर प्रैंक्स अपलोड कर रहे होते हैं, कभी इस पर दीनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, कभी इस पर एनिमल्स की कर रहे होते हैं, कभी इस पर क्राफ्ट्स की कर रहे होते हैं। ये सर पाँव नहीं होता, जो दिल करी आपने वीडियो उठाकर अपलोड कर दी। सेकेंड टाइप होती है स्पेशल टाइप पेज, आप एक स्पेशल टाइप सिलेक्ट करते हैं एंड आप उस टाइप का पेज बनाते हैं, आप सारा कंटेंट वैसा अपलोड करते हैं। आपने एक नीश पकड़ लेनी है, आपने एक टाइप पकड़ लेनी है कि मैंने फनी वीडियोस पे वर्क करना है, आप वो पेज क्रिएट करते हैं उससे फनी वीडियोस अपलोड करते हैं। आप नीश पकड़ लेते हैं जी मैंने इस पे क्राफ्ट्स वीडियोस डालनी है, आप क्राफ्ट्स के नेम से पेज बनाते हैं, सिर्फ क्राफ्ट्स की वीडियोस डालते हैं। आपने प्रैंक्स का चाहे पेज बना लिया, आप सिर्फ प्रैंक्स की वीडियोस डालते हैं। इस तरह के पेजेस के सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो 99% ज़्यादा होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पेज होता है फैन पेज। फैन पेज क्या होता है, आप एक क्रिएटर ऐसा फाइंड करते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कंटेंट की क्लास में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, कि फैन कंटेंट, फैन पेज का कैसे कंटेंट बनाना है, स्पेशल टाइप का कहाँ से कंटेंट लेना है, जनरल टाइप का कहाँ से। अभी सिर्फ पेज के जो बेसिक्स लॉजिक्स हैं वो समझ लें। फैन पेज ये होता है, आप कोई ऐसा क्रिएटर, कोई यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर या कोई भी सोशल मीडिया पब्लिशर जो हो, क्रिएटर हो, आप उसे फाइंड करते हैं जिसका फेसबुक पर पेज ना हो। पेज हो बेशक लेकिन कंटेंट उसका ऑलरेडी मौजूद ना हो, आप उसका फैन पेज क्रिएट करते हैं जनाब, उसका कंटेंट डाउनलोड करके फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं जनरल पेज भी आपको दिखाता चला जाता हूँ, मैं स्पेशल टाइप पेज भी आपको दिखा देता हूँ और मैं आपको फैन पेज भी दिखा देता हूँ। तीनों टाइप के पेजेस देख लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पर जाएं पेजेस पे, देखें यहाँ पर मेरे पास बैम लाइफ फैंस है, ये जनरल पेज है, अल्ट्रा फन है, और यहाँ पर मेरे पास एक पेज है जिसका नाम है क्राफ्ट्स के नेम से था, ये फूड फंड्स के नेम से है, ठीक है। अब ये 3 पेज हैं, सबसे पहला फैन पेज है, देखें ये फैन पेज मैंने बनाया, एक यूट्यूबर लड़की है बैम लाइफ, फिलिपियन गर्ल को मैंने टारगेट किया। इसके तकरीबन कि मैं आपको कंटेंट की क्लास में मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अबाउट इसके ना टेंशन लीजिए। 1.15 मिलियन इसके सब्सक्राइबर थे, वीडियोस पे इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मिलियंस में थे, लिहाजा कंटेंट क्रिएटर भी अच्छी थी, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 2.1 मिलियन, 1.4, लिहाजा मैंने इसका फैन पेज क्रिएट कर लिया। ऑलराइट जी, लीव करते हैं इसे, यहाँ पर आ जाए। मैंने इसका फैन पेज क्रिएट किया बैम लाइफ फैंस के नेम से, देखें इसके एक वीडियो पर 2.1 मिलियन व्यूज़ हैं, तमाम वीडियोस पर इसके अच्छे व्यूज़ हैं, किसी पर भी कम व्यूज़ नहीं है, अच्छे हैं। तो कंटेंट क्रिएटर अच्छा था, मैंने इससे रेवेन्यू जनरेट किया फैन पेज बना के सिर्फ, ठीक है। सेकंड टाइप पेज होता है जनरल सा पेज होता है, आप कोई भी अडरम बटन वीडियोज इस पर डालते हैं, इस वीडियो का पेज का कोई भी सर पाँव नहीं होता। थर्ड टाइप पेज होता है, आप किसी स्पेशल नीश पे बनाते हैं, देखिए ये फूड पे बना हुआ है, इस पर मैं जो कंटेंट डालूंगा वो सिर्फ फूड से रेलिवेंट होगा, वो रेलिवेंट कंटेंट नहीं होगा। सारा जो कंटेंट है
वो जिस टाइप का पेज होगा उस टाइप का होगा। अब आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि टाइप्स क्या है और उन पे हमने कंटेंट किस तरह का डालना है। अब आ जाए क्रिएशन के हवाले से। क्रिएट जब भी आपने पेज करना है तो आ जाए यहाँ पर पेज का नेम। सबसे पहले पेज का नेम जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखिएगा। लाइक मैं इस पेज का नेम रखता हूँ व्यूअर चॉइस, ठीक है। ये मैंने पेज का नेम रखा, यहाँ पर ये आपको शो भी हो जाएगा। देन कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर लें कोई भी, तीन कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं जब भी वीडियो वायरल होती है, उसी सूरत में होती है जब आपने कैटेगरी वगैरह ठीक लिखी हो। फनी है तो जस्ट फॉर फन करें, फैन पेज है तो फैन पेज करें, वरना वीडियो क्रिएटर करें, ठीक है, इंटरटेनमेंट वेबसाइट करें, जो मर्जी करें, इंटरटेनमेंट वेबसाइट कर लें आप, ठीक है। और आप इसमें कर लें पर्सनल ब्लॉग। तीन कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, देन डिस्क्रिप्शन जितनी ब्रीफ हो सके आपने लिखनी है, 200 वर्ड्स की अच्छी है, बेहतर है कि अगर आप बड़ी लिखें। आपने ये क्रिएट करना है व्यूअर चॉइस किया कैटेगरी की, जिन आप क्रिएट पेज पर क्लिक करें सिंपली आपका पेज क्रिएट हो गया। ऑलराइट, अभी आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, सेव करें इसे। ये आपका पेज जो व्यूअर चॉइस है क्रिएट हो गया, देखें ये आपके पास आपका पेज आ गया। अब जब भी फैन पेज आपने बनाना है तब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो ख्याल ये रखना है बेसिकली कि आपने जो फैन, जिस क्रिएटर का आपने फैन पेज बनाया है, ठीक है, उसके नाम, जैसे इसका क्रिएटर का नाम है बैम लाइफ, उसके आगे आपने बैम लाइफ फैंस, फैंस, फैन क्लब, फैन हब, इस तरह का कुछ लाजमी लिखना है, जिससे ये इमेज जाए कि ये ओरिजिनल पेज नहीं है, ये तो फैन पेज है। और फैन पेज फेसबुक आपको अलाउ करता है, अगर आप डायरेक्ट उनके नेम से बनाते हैं तो आपका पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप किसी को प्रिटेंड कर रहे हैं, ये ओरिजिनल पेज नहीं है। तो सिंपली आपने फैन पेज बनाना है, कैटेगरी में आपने फैन पेज सेलेक्ट करना है। थर्ड, आपने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डिस्क्लेमर ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है हाय आई एम बैम, लेट माय वीडियो डिस्क्राइब इन मेगा फ्रेंडशिप, और डिस्क्लेमर मैंने लिखा हुआ है इट्स अ फैन पेज फॉर बैम लाइफ लवर। जब भी फेसबुक का बोर्ड आएगा, जब भी फेसबुक की टीम ने इसे चेक किया, या जब भी इस पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन आई, तो वो देखेंगे कि इन्होंने तो पहले डिक्लेयर किया हुआ है कि ये फैन पेज है, ओरिजिनल पेज नहीं है, और फैन पेज तो फेसबुक अलाउ करती है, लिहाजा वो आपके पेज पे ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि प्रिटेंड टू बी समवन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फैन पेज का आपने ये क्या रखा है। अब पेज की सेटिंग देख लेते हैं, पेज बन गया, अब पेज की सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में देखें, सबसे पहले आपने प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो लगानी है, उसके बाद आपने जब आप वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी में तो आपके पास क्रिएटर स्टूडियो ऑटोमेटिकली आ जाती है। देन आपके पास एडिट पेज इन्फो है, यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर अदर अकाउंट्स हैं। आप यहाँ पे अगर आप कोई टिकटॉकर का कंटेंट फैन पेज बनाते हैं तो आप फैन पेज का ये बेसिकली फ़ायदा होता है, आप उनका यूट्यूब चैनल भी बना लेते हैं, आप उनका इंस्टाग्राम भी बना लेते हैं, फेसबुक आपका उनका बना ही होता है आपका, तो आपके फेसबुक के हर पेज पे 10,000 फॉलोअर्स तो मस्ट हैं। अब आप इन 10,000 फॉलोअर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं ओहो यूट्यूब सब्सक्राइबर की फॉर्म में, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की, तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपके साइड पे जो डिजिटल एसेट्स हैं आसान हो जाए।
सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी अजान हो रही है। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। सो इस तरह से आप डिजिटल जो अपने क्या नाम है साइट डिजिटल एसेट्स हैं वो बना लेते हैं, लोग यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं, उसे आखिर रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बहुत महंगे सेल होते हैं, तो इस तरह से आपके साइट डिजिटल एसेट जो हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेटिंग्स में जाएँ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है पेज रोल्स का। पेज रोल से बेसिकली यहाँ ये वो जगह है जहाँ से आप एडमिन ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। असाइन अ न्यू पेज रोल पर क्लिक करें, यहाँ पर जो भी बंदा आपने असाइन करना है उसका नाम लिखें, अगर दोस्त है तो वो वैसे ही शो हो जाएगा आपको, ठीक है, और अगर फ्रेंड नहीं है तो उसकी कॉपी करें, प्रोफाइल का लिंक और पेस्ट कर दें यहाँ पे। आगे से डेजिग्नेशन एडमिन ऐड करना है, जो भी ऐड करना है वो कर लें, और आगे आपके पास ऑप्शन होता है ऐड का, ऐड पर आप क्लिक करें और आपका एडमिन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर एडमिन मैंने क्यों बताया है, पाकिस्तान ऑफिशियली फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, हमें एलिजिबल कंट्री का एडमिन ऐड करना होता है। जाए जनाब गूगल पे, यहाँ पर लिखें एफपी मोनेटाइजेशन एलिजिबल कंट्री लिस्ट, कंट्री लिस्ट, ठीक है, ये देखें जी, ये तमाम कंट्रीज हैं जिनमें फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इन कंट्रीज़ में सिंगापुर हमारा कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है, या अर्जेंटीना से स्टार्ट हो, और ये वो तमाम कंट्रीज़ हैं जिनमें एलिजिबल है फेसबुक मोनेटाइजेशन। तो आपने इधर का बस एडमिन ऐड कर लेना, कोई चाचा मामा आया दोस्त ट्रस्टेड बंदा, उसे आपने पेज का एडमिन ऐड करना है, ठीक है। पेज का एडमिन ऐड करने के बाद खुद आपने एडिटर बन जाना है, पेज की ओनरशिप उसे दे देनी है, और ये कोई ट्रस्टेड बंदा आपने ऐड करना है, मिल जाएगा कोई भी, तो ये आपने लाजमी इंफॉर्म लेना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट भी है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप सबके पास एलिजिबल कंट्री का एडमिन मौजूद होना चाहिए। सोर्सेज लड़ाएं और ढूंढें, इंशाल्लाह फेसबुक मोनेटाइजेशन 1 से 1.5 माह में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में आ जाएगी, देन हमें एडमिन शेडमिन का कोई सीन नहीं होगा, जरूरत ही महसूस नहीं होगी, लेकिन तब तक आपको एडमिन ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं कि जिस वक्त मैं ग्रुप क्या नाम है लेक्चर स्टार्ट कर दूँ, आप लोगों ने चैट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, आप लोगों का क्वेश्चन हो या तो आवाज़ नहीं आ रही या आपको क्या नाम है वॉइस में इशू आ रहा है, सिर्फ आप ये टाइप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन के लिए आपको अलग टाइम मिलेगा, अभी ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ पे पूछने। सेकेंडली, जो अभी मैं ग्रुप का लिंक दूंगा, तमाम सीनियर्स हैं आपके, रिस्पेक्ट करनी है, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करनी, फौरन आपको पिक कर देंगे मॉडरेटर्स बाहर, एक बड़ा प्यारा सा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपको सब सिंसियर होकर गाइड करते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप सब एक दूसरे को जो है वो रिस्पेक्ट के साथ क्या नाम है पेश आए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके जो नॉर्म्स हैं वो एटलीस्ट वायलेट ना हो, ठीक है। थर्डली, मुझे कोई भी पर्सनली मैसेज नहीं करेगा व्हाट्सएप या इनबॉक्स पे, मैं रिप्लाई बहुत लेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं सभी को कर दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, तकरीबन 1000-1500 मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबके इतने मैसेज आते हैं मैं नहीं दे पाता। इसके लिए आपको तो अर्जेंट स्पॉट चाहिए होती है, मैंने ग्रुप बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन के नाम से, मैं अभी एंड में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी क्यूरीज हो आपकी आपने उसमें पोस्ट करनी है, सिर्फ आपने स्पॉट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है, कोई फजूल शेयरिंग आपने वहाँ पर नहीं करनी, मॉडरेटर आपको किक कर देंगे। ऑलराइट सी, तो क्या नाम है रिकॉर्डिंग्स हैं इनके हवाले से, सर्टिफिकेट्स के हवाले से, फीसिस के हवाले से, आई डजंट कंसर्न, मेरा इससे कोई रब्ता नहीं है, मेरे पास बिल्कुल आप ही की तरह लिंक आते हैं, मैं वो कनेक्ट ज्वाइन करता हूँ, आप लोगों को लेक्चर देता हूँ, ये तमाम LWE टीम की मैनेजमेंट है, उन्हीं के काम है, वही आपको पाबंद है रिकॉर्डिंग कर सेंड करने के, तकरीबन 8 एडमिन या 7 एडमिन होते हैं आपके ग्रुप में, बाकी को मैसेज कर देने में मैं आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकूँगा रिकॉर्डिंग वगैरह, कॉज मेरा काम ही नहीं है ना मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह,
होती हैं। तो ये LW टीम का काम है, मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है, सिखाना है और आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। होप सो कि अब आप सब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने एडमिन को ऐड करना है। एडमिन को ऐड करने के बाद क्रिएटर स्टूडियो के एक्सेस कैसे लेते हैं, हमने कैटेगरी वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट की है तो ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली वीडियो पे सिलेक्ट हो गया। अगर आपने कोई कोर कैटेगरी सिलेक्ट की हो तो आपके पास यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड, आपने इधर टेम्पलेट्स में जाना है, वीडियो पे सिलेक्ट करना है, अप्लाई टेम्पलेट करेंगे, आपके पास क्रिएटर स्टूडियो आ जाएगी। कहाँ पर आएगी टैग चाहिए अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आएगी बेसिकली वो क्रिएटर स्टूडियो आपको। यहाँ पर आ जाए जनाब, बैक जा रहा है, बैक चला गया। सो आप अगेन फेसबुक पे जाएं, अपने पेज पे जाएं, उसी पेज पर जाते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया था। ये ऊपर से रफ टैब्स मुझे रिमूव कर देने दें। हमने अभी क्रिएट किया है व्यूअर्स चॉइस एंड हियर इज व्यूअर चॉइस। क्लिक करें जनाब पेज पर, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएटर स्टूडियो का, डायरेक्ट टैबलेट में आप न्यू टैब में भी कर सकते हैं। देखें ये क्रिएटर स्टूडियो है। अब बात करते हैं पेज की जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो मैंने आपको समझाती हैं क्रिएटर स्टूडियो पे। क्रिएटर स्टूडियो क्या है, वो जगह है जहाँ से आप अपने पेजेस को मोनिटर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैब है यहाँ से आप क्या नाम है समथिंग पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप करेंगे वो तमाम आपके होगी पेज पे। स्टोरी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट लाइब्रेरी है, कंटेंट लाइब्रेरी में मोनेटाइज पेजेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि आपके लिए समझने में। प्री पब्लिश्ड देख लेते हैं, वीडियोज़ देख लेते हैं। ये देखें जी, ये बेसिकली आपकी वीडियोज़ होती हैं पब्लिश्ड, और ये तमाम आपके वीडियोस होते हैं। यहाँ से आप उनका स्टेटस देख सकते हैं, पब्लिश्ड है, किसने किस जगह पे की थी, नॉन मोनेटाइज है, क्रॉस पोस्टेड है, कैप्शंस हैं, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई होगी, 3 सेकंड कितने आए हैं, 1 मिनट कितने आए हैं, इंस्ट्रीम की जो अर्निंग है वो कितनी हुई होगी। ये असल में आईडी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, मॉडरेटर बनी हुई, इस वजह से अर्निंग शो नहीं हो रही, यहाँ पे आपको अर्निंग शो हो रही होती है। हर पेज की, हर वीडियो की ईच एंड एवरीथिंग आप कंटेंट लाइब्रेरी से चेक कर सकते हैं। देन आपके पास इनसाइट्स हैं, इनसाइट से आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट 7 डेज में आपके पेज पे कितने मिनट व्यूज हुए हैं, क्या प्रोग्रेस किया, क्या कि कौन सी वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया है। देन आपके पास काम की चीज़ जो है वो रिटेंशन है, रिटेंशन में आप चेक कर सकते हैं कि आपके व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, रिकमेंडेशन से आ रहे हैं, फॉलोअर्स देख रहे हैं या शेयरिंग से आ रहे हैं, तमाम चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मोनेटाइजेशन, यहाँ से बेसिकली आप चेक कर सकते हैं। एक मिनट मुझे ये चेक कर लेते हैं, कोई जो भी हमने पेज क्रिएट किया है उसकी मोनेटाइजेशन चेक करते हैं। देखें आप इसके मोनेटाइजेशन में ओवरव्यू में जाएं, इधर क्लिक करें और इसे अनसेलेक्ट ऑल करें, जो पेज अभी हमने क्रिएट किया है व्यूअर्स चॉइस वेयर इज व्यूअर चॉइस सेलेक्ट करें जनाब, व्यू पर क्लिक करें। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहां से आप व्यू पेज एलिजिबिलिटी कर सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि आपके मोनेटाइजेशन इशू है, सी डिटेल्स भी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं प्रेजेंस नॉट एस्टैब्लिश्ड, व्यूअर चॉइस हैज बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज। आपका जो पेज है जो आपने आज क्रिएट किया आप उसे फौरन मोनेटाइज नहीं कर सकते, उसे 30 डेज जो एटलीस्ट वो ओल्ड होना चाहिए। डेली क्या 5 पेजेस बना सकते हैं, 5 पेजेस बना के 1 महीने तक इंतजार करना चाहिए आपकी मर्जी, वरना मार्केट से 50 से 150 रुपये का एक पेज मिल जाता है, 1 मंथ ओल्ड पेज, आप सबने वो परचेज कर लेना है सिंपली। ठीक है, ये जो ग्रुप का मैं आपको लिंक दूंगा हमारा सपोर्ट का है, वहाँ से आपको वापस इमेज प्रोवाइड कर देंगे। देन व्यू पेज एलिजिबिलिटी चेक करें, जिन भी पेजेस के आगे ये येलो डॉट हो ना, मतलब कि पॉलिसी इशू लिखा हो, मतलब कि वो पेज अभी आपके काम के नहीं है, इनमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन है, मतलब आप अभी उन पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, व्यूअर चॉइस का मैंने आपको बता दिया, इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि अभी इसकी 30 दिन एज नहीं हुई, 30 दिन बाद ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको शो हो रही होंगी, फॉलोअर्स शो हो रहे होंगे, फॉलोअर्स के ऊपर ये नहीं शो हो रहा होगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रेट या पॉलिसी इशू नहीं शो हो रहा होगा, आपको इस तरह से शो हो रहा होगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने फॉलोअर्स कम्प्लीट कर लिए, वॉच टाइम कम्प्लीट कर लिए, एक्टिव वीडियोज आपने चेक कर लेनी है, यहाँ से बेसिकली आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं बस। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो पॉलिसी इशू टैब है, पॉलिसी इशू टैब यहाँ से बेसिकली आप चेक कर सकते हैं कि आपके पेज पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन तो नहीं आई है, आया कि आपका पेज मोनेटाइज है, डीमोनेटाइज है, स्ट्राइक आ गई, कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी वायलेशन लग गई, कहाँ से चेक करनी है वो बेसिकली आपने मोनेटाइजेशन में पॉलिसी इशू
ऐप से चेक करनी है। देन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्रिएटिव टूल्स है। क्रिएटिव टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट साउंड कलेक्शन है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे साउंड है, कॉपीराइट फ्री। आपने यूट्यूब या किसी दूसरी साइट का साउंड नहीं यूज़ करना, आपने ये क्रिएटर स्टूडियो यहाँ से डाउनलोड करना है और जिन वीडियोज़ के पीछे आपको लगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेना चाहिए आपने सिंपली ये म्यूजिक यूज करना है। 8409 प्लस यहाँ पे ट्रैक मौजूद है, जो दिल करे आपने अपनी वीडियो पर लगा लेना, आपको किसी किस्म की स्ट्राइक का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ग्रुप का लिंक सेंड कर रहा हूँ जनाब, इनस्ट्रीम सॉल्यूशन हमारा ग्रुप है, बैच नंबर आपने लाजमी मेंशन करना है वरना आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी ग्रुप में। और ये रहा हमारा ग्रुप, लिंक मैंने कॉपी कर लिया है और ये आपके चैट बॉक्स में आ रहा है, सब लोग ज्वाइन कर लें, तमाम अपडेट्स यहाँ पे शेयर की जाती हैं। ठीक है, बैच नंबर मेंशन करते जाएं ताकि मैं आप सबको वो कर दूँ, अभी अप्रूवल कर दूँ। बैच नंबर 44 सब भेज दें, 2 मिनट है आप सबके। अब नेक्स्ट क्लास में आप सबने एक पेज पर अपना लाजमी क्रिएट कर लेना है, उस पर प्रोफाइल पिक्चर लगाइएगा, डिस्क्रिप्शन अच्छे से ऐड कीजिएगा, कवर फोटो भी लगाइएगा, सब कर ले, बैच नंबर लाजमी मेंशन। यहाँ पे मेंशन नहीं करना, इधर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ज्वाइन करते हो तब कीजिएगा। चलें ये मैं भी चेक कर लेता हूँ, बाकी को मॉडरेटर एक्सेप्ट कर लेंगे। जिन्होंने बैच नंबर नहीं मेंशन किया होता वो एक्सेप्ट नहीं होते, सॉरी टू से। हम सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हर किसी को हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो डैट्स वाई सिर्फ आप लोगों के लिए है प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपके सीनियर्स होते हैं, हम यहाँ पर तमाम मौजूद होते हैं, तो आपके सीनियर्स अगर आपको किसी चीज़ का रिप्लाई कर दें तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता, कमेंट में पढ़ लेता हूँ, अगर किसी ने ठीक जवाब दिया हो तो मैं रिप्लाई नहीं करता। तो अगर आप किसी के क्वेश्चन पूछें आपके सीनियर जवाब दें, आप सेटिस्फाई ना हो कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, देन आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, मैं आप लोगों की जो क्वेरी है वो फुलफिल कर दूँगा। ऑलराइट जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास हमारी कंटेंट पे है कि आपने कंटेंट कैसे फाइंड करना है। अभी असल में 45 मिनट का लेक्चर होता था, 30 मिनट का कर दिया है रमज़ान मुबारक की वजह से, सो नमाज का भी टाइम हो रहा है और लेक्चर भी आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो तो इस ग्रुप में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटेंट की क्लास में, तब तक आपके पास बेहतर है कि एलिजिबल कंट्री के एडमिन अरेंज कर लें और 1 मंथ ओल्ड पेज भी अरेंज कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हाफिज़। थैंक यू सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।